अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं वकार क्रिकेट शो। दोस्तों आपके साथ अहम तरीन अपडेट शेयर करने जा रहा हूं। ऑस्ट्रेलिया का दौरा है पाकिस्तान के हवाले से। इतवार के रोज ऑस्ट्रेलिया की टीम तारीखी दौरे के लिए जो है 24 साल बाद पाकिस्तान पहुंच रही है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के जो बॉलिंग कोच हैं, स्पिन बॉलिंग कोच हैं श्री धरन श्री राम, उन्होंने पाकिस्तान आने से इनकार कर दिया है। लेकिन क्यों दोस्तों, इनका ताल्लुक है भारत से। अगर ये पाकिस्तान आते तो जो भारत का मीडिया है इस बात को बहुत उछालता। वो कहता कि इन्होंने तो ना हुकूमत से परमिशन ली है पाकिस्तान जाने की, ना भारत का जो क्रिकेट बोर्ड है उनसे कोई रابطہ वगैरह नहीं किया। तो ये बातें होती अगर वो पाकिस्तान आते, लेकिन उन्होंने साफ इनकार किया है। वो छुट्टी भी ले सकते थे या कह सकते थे कि मैं आराम लेना चाहता हूँ, लेकिन उन्होंने बिल्कुल जो है वो साफ इनकार कर दिया है कि मैं पाकिस्तान का दौरा जो है वो करना ही नहीं चाहता। लेकिन उसके बाद ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट बोर्ड ने जो न्यूजीलैंड के साबिक कप्तान हैं ड्वेन विटोरी, उनसे रابطہ किया कि आप जो है ऑस्ट्रेलिया की टीम के साथ जो है वो ट्रैवल करें। लेकिन उनके पास टाइम कम होने के कम होने की वजह से उन्होंने जो है माजरत कर लिया है। डैन विटोरी ने भी अगर उनसे पहले रابطہ किया जाता दौरा है पाकिस्तान के लिए, इनसे अगर ये नहीं जाना चाहते थे तो इन्हें पहले बताना था ऑस्ट्रेलिया को, तो फिर उनके साथ अगर रابطہ होता तो वो फिर तैयार हो जाते, उनके पास फिर टाइम काफ़ी बचता। लेकिन टाइम कम होने की वजह से उन्होंने भी इनकार कर दिया। तो अब ऑस्ट्रेलिया की टीम जो है तारीखी दौरे पर आ तो रही है, लेकिन वो स्पिन बॉलिंग जो कोच है उसके बगैर पाकिस्तान के दौरे पर आ रही है। अगर आपको अपडेट चलेगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब।